नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मेहर प्रथा का प्रचलन है ऑप्शन डी मुसलमानों में। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जिम्मेदार है? कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दाब का विकास, और दूसरा है व्यापारिक पवनों का विचलन या विक्षेप, और तीसरा है प्रशांत महासागर से चक्रवातीय धारा का आगमन, जिसमें से दोस्तों चार कथन थे और ऊपर वाले दो कथन सही हो जाएंगे जिसमें नीचे के दो गलत हो जाएंगे। ओके, तो ये मैंने जो दो बताए ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है डंकल प्रस्ताव संबंधित है, तो डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? ऑप्शन सी बौद्धिक संपत्ति का अधिकार। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन डी वर्ष 1956 में। अगला है नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी खड़कवासला। अगला है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी कोबोल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता? ऑप्शन डी चमगादड़। अगला है कथन है कारण है और कोड के माध्यम से आपको बताना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो कथन कहता है, कार्बन में बहुत सारे यौगिकों को बनाने की प्रवृत्ति होती है और उसकी व्याख्या जो आर करता है कारण क्या है? कार्बन कैटनेशन के गुणधर्म रखता है। अगला है दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि के में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? ऑप्शन सी अभिकेंद्री बल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब से लागू की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1971 में। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोर्ट के माध्यम से बताना है, तो गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा और चौथा, ये गलत हो जाएंगे और बाकी के जो दो हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें है पहला इसे झरिया व रानीगंज से कोयला प्राप्त होता है, और तीसरा है कोलकाता बंदरगाह इसके निकट स्थित है। अगला है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उनका कम, ऑप्शन बी डेंसिटी या घनत्व। सूर्य ग्रहण होता है जब, ऑप्शन ए चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग क्या है? ऑप्शन बी वे जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हों। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ऑप्शन सी लोहे में। भारत में AC मुख्य विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, ऑप्शन ए 50 साइकिल प्रति सेकंड। प्रत्यय अम्लों का आमतौर पर इस्तेमाल पेंट की अम्लीयता से छुटकारा पाने के लिए होता है, यह प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राज्यपाल।
अगला एक कथन है, कारण है और कोट के माध्यम से बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं है। तो कथन और कारण तो सही हैं। कथन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक व्यय नहीं होते, और कारण है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं। बात सही है। अगला है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जिसे कहते हैं स्मोक के उत्पाद हैं, कोट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी पहला तीसरा। पहला है परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट और तीसरा है ओजोन। क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें स्थित हैं। ऑप्शन बी डेगाना में। अगला, हिमालय से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा। पहला, इनमें से अधिकतर नदियों का जो स्रोत है आंतरिक हिमालय है, और दूसरा है इनका प्रवाह चिरस्थायी या नित्य होता है, और तीसरा है इसकी अपरदन क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला है, खिजर खां का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था। ऑप्शन डी सैयद वंश। अगला है, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के चूर्ण उदासीनीकरण के प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन ए 7। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन बी बोर्नियो। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। ऑप्शन बी जॉर्डन से जाम्बेजी नदी तक। अगला, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, तो ऑप्शन बी पेसमेकर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य डक्टाइल होता है। ऑप्शन ए नाइक्रोम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौन सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, और बाकी के जो हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है जोजिला और बुरजिल, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और फिर है नाथुला और जेलेपला, ये हो जाएगा सिक्किम। भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है, तो ऑप्शन सी 40 मीटर। कर्क रेखा भारत में नीचे दिए गए किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। देखिए दोस्तों, कोट के माध्यम से बताना था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला चौथा, मैंने पहला बताया था गुजरात, और चौथा हो जाएगा मिजोरम। अगला है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। ऑप्शन डी एलिफेंटा। चाइनामैन शब्द का संबंध है, तो ऑप्शन ए क्रिकेट से। बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 19 जुलाई 1969। और ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो ऑप्शन बी केपलर। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है, तो ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, ऑप्शन बी पंतनगर। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो ऑप्शन बी सांची। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं, ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है, खुल जाने से खाज मिटती है क्योंकि, ऑप्शन सी इसमें इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। नीचे दी गई सूची रासायनिक यौगिक और सूची 2 कार में सही जोड़े बनाए कोड के माध्यम से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। पहला है क्लोरोमाइसिटिन, इसका हो जाएगा प्रतिजैविक दूसरे से। फिर शेर पासिल, इसका हो जाएगा तीसरे से। प्रशांतक, फिर डिसपार्लर, इसका हो जाएगा चौथे से। कृषि रसायन, फिर एस्कॉर्बिक अम्ल, ये हो जाएगा विटामिन।
अगला है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग पानी से घिरा है? ऑप्शन डी 71। अगला है, ताप स्थाई थर्मोस्टेट वह युक्ति है जो, तो ऑप्शन सी ताप नियमन हेतु प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी महमूद गजनबी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी केवल तीसरा। तीसरा क्या है, भारत के संविधान में नवीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अगला है, जल के प्राप्त गुणधर्म है कूट के माध्यम से बताना है? ऑप्शन डी केवल दूसरा। यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अगला है, कौन सा दिन भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 15 जनवरी। चरक किसके राज्य वैद्य थे? ऑप्शन डी कनिष्क। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।